श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला पौराणिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल देवीधुरा अपने अनूठे तरह के पत्थर युद्ध के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में देवीधुरा में वाराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को पत्थरों की वर्षा का एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसे बग्वाल कहा जाता है। इस मेले का आयोजन चार खामों के प्रमुख करते हैं। इन चार खामों में चम्याल, वालिक, लंगड़िया और गहरवाल खाम है। बग्वाल की इस परंपरा को स्थानीय लोग ढोल नगाड़ों के साथ बांस की बनी हुई छतरी, जिसे छंतोली कहते हैं, उसे लेकर अपने अपने गांवों से भारी उल्लास के साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं। सिर पर कपड़ा बांधकर तथा फूलों से सजा फर्रा छंतोली लेकर मंदिर के सामने परिक्रमा करते हैं। पूर्णिमा को भक्तजनों की जय जयकार के बीच डोला देवी मंदिर के प्रांगण में रखा जाता है। चारों खाम के मुखिया पूजन संपन्न करवाते हैं और आत्मीयता, प्रतिद्वंदिता, शौर्य के साथ बग्वाल के लिए तैयार होते हैं। इन सबका मार्ग पूर्व में ही निर्धारित होता है। मैदान में पहुंचने का स्थान व दिशा हर खाम की अलग अलग होती है। दोपहर तक चारों खाम देवी के मंदिर के उत्तरी द्वार से प्रवेश करती हुई परिक्रमा करके मंदिर के दक्षिण पश्चिम द्वार से बाहर निकलती है। फिर वे देवी के मंदिर के बीच खुले मैदान में दो दलों में विभक्त होकर अपना स्थान घेरने लगते हैं। दोपहर में जब मैदान के चारों ओर भीड़ उमड़ पड़ती है, तब मंदिर के पुजारी बग्वाल प्रारंभ होने की घोषणा शुरू करते हैं। इसके साथ ही खामों के प्रमुख की अगुवाई में पत्थरों की वर्षा दोनों ओर से प्रारंभ हो जाती है। ढोल नगाड़ों का स्वर भी ऊंचा होता जाता है। छंतोली से रक्षा करते हुए दूसरे दल पर पत्थर फेंके जाते हैं। फर्रों की मजबूत रक्षा दीवार बनाई जाती है, जिसकी आड़ से वे प्रतिद्वंदी दल पर पत्थरों की वर्षा करते हैं। धीरे धीरे बग्वाली एक दूसरे पर प्रहार करते मैदान के बीचों बीच बनी सीमा रेखा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पुजारी को जब विश्वास हो जाता है कि एक मनुष्य के रक्त के बराबर खून बह गया होगा, तब वह तांबे के छत्र और चंबर के साथ मैदान में आकर बग्वाल संपन्न होने की घोषणा करते हैं। बग्वाल का समापन शंखनाद के साथ होता है। तब एक दूसरे के प्रति आत्मीयता दर्शित कर बग्वाल खेलने वाले धीरे धीरे मैदान से विदा होते हैं। उसके बाद रात्रि में मंदिर में जागरण होता है। श्रावणी पूर्णिमा के दूसरे दिन बक्से में रखे देवी विग्रह की डोले के रूप में शोभा यात्रा भी संपन्न होती है। 2013 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि त्योहार को पत्थरों के बजाय फलों और फूलों के साथ मनाया जाए। स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी की। लोगों का मानना है कि देवी को रक्त बलि नहीं दी तो यहां आपदा आ सकती है। मंदिर समिति के एक सदस्य ने कहा, हम बग्वाल की शुरुआत फलों से करते हैं और भक्तों को पत्थरों का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वे इस मामले में अपनी दृढ़ आस्था के कारण निर्देश नहीं मानते हैं। प्रसिद्ध देवीधुरा बग्वाल मेला राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तत्काल इसका जीओ जारी करने के आदेश दिए हैं। देवीधुरा का नैसर्गिक सौंदर्य भी मोहित करने वाला है, इसीलिए बग्वाल को देखने दूर दूर से सैलानी देवीधुरा पहुंचते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए सफर में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।